हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेरिस का अगला क्लास, यानी हम देखेंगे जो नेरिस होता है इसमें और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं या जनन तंत्र होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे टाइप्स होंगे। ये 2.5 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आने वाला एक नॉर्मली क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए पूछे जा सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसी पेपर 2 में ये क्लास। आप तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। आपसे अनुरोध करूंगा कि बड़े दिनों बाद मैं वापस आया हूं, तो आप क्या करिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, उनको भी पता हो जाए कि क्लास अब स्टार्ट हो गए हैं। गले में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट अब सही होने के साथ मैं आ गया हूं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए। तो आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन मैं लगातार आपको देता रहूं। और अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। तो आपसे अनुरोध है कि ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि बाद में इसमें घिसपिस हो जाएगा तो फिगर ठीक से दिखेगा नहीं। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप कवर कर लो, फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि क्या है बाकी इसके और सिग्निफिकेंस और फीचर्स के फॉर्म में। तो आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा स्टूडेंट। तो देखो, अब जैसे स्क्रीनशॉट कंप्लीट करते हैं तो हमने नेरिस के बाकी क्लासेस अपलोड कर दिए थे, सेंस आर्गन बचा है, मैं उसको भी जल्द अपलोड कर दूंगा। अब सेंस आर्गन के बाद जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम हेट्रोनेरिस के पास चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जब यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की, हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, ध्यान देना। हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट के फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे गोनाड की बात करता है कि हम देखेंगे गोनाड यानी जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम डील करेंगे इसी फिगर के माध्यम से। जैसे ही हमारा गोनाड कंप्लीट होता है, जनन ग्रंथियां कंप्लीट होती है, उसके बाद हम गोनोडक्ट के पास चलते हैं यानी जनन वाहिनियां कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब जब जनन वाहिनियां यानी गोनोडक्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम चलेंगे डार्सल चिलेटेड। क्या चलेंगे? डार्सल चिलेटेड ऑर्गन जो होते हैं उनके फॉर्म में, कि कौन कौन सा ऐसा पश्चमावी, इसको पृष्ठ पश्चमावी अंग कहते हैं। जैसा ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो फिगर है वो वही बताता है क्या डार्सल चिलेटेड ऑर्गन के फॉर्म को इंडिकेट करता है ये डायग्राम। तो ये डायग्राम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हेल्प करेगा कंप्लीट करने के लिए। वैसे आप हेडिंग कंप्लीट कर लीजिएगा गोनाड। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट, जो गोनाड होते हैं वो स्पेशली किसी भी कह सकते हो कि लोअर नॉन कॉर्डेटा, क्या लोअर नॉन कॉर्डेटा के बाद जो हाइयर नॉन कॉर्डेटा है, हाइयर नॉन कॉर्डेटा में पाया जाने वाला एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ग्लैंड्स के फॉर्म में होते हैं। यदि बात करें हम नेरिस की, तो नेरिस जो हमारा होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल कह सकते हो। बाइसेक्सुअल के साथ साथ मतलब द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी भी देखे जाते हैं। मतलब इनमें ये साल्टी वाटर के साथ, ध्यान देना, ये साल्टी वाटर के साथ तो नहीं पाए जाते, ये कैसे होते हैं, और लवणीय जल मतलब ये जो क्षारी समुद्री जल होता है उसमें न रह के जहाँ पे शांत जल होता है वहाँ पे यहाँ क्या जो नेरिस पाया जाएगा वो पाया जाएगा कैसा, उभयलिंगी होगा। कैसा होगा? उभयलिंगी या द्विलिंगी के नाम से हम जानते हैं। बट जो हमारे मेरिनल वाटर के और नेरिस होते हैं वो ज़्यादातर एक लिंगी होते हैं। कैसा होते हैं? एक लिंगी कंडीशंस में देखे जा सकते हैं। अब देखो, ज़्यादातर जो हमारे नेरिस के स्पीसीज हैं, ज्यादातर स्पीशीज कैसे हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट कुछ स्पीशीज कैसे होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ स्पीशीज बाइसेक्सुअल होंगे, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग कंडीशंस में अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंप्लीट करते रहेंगे। मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। अब देखो, जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं स्टूडेंट्स, वहां पे ये देखा जाता है कि इनमें जितने भी गोनाड होते हैं, क्या होते हैं, इनमें जो गोनाड होते हैं वो स्पेशल कह सकते हो कि दो कंडीशंस में होते हैं, बट इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे टेस्टिस पाया जाएगा या फिर ओवरी पाया जाएगा, तो दोनों के जो सिग्निफिकेंस हैं वो तो अलग अलग हैं, बट दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं हम यदि बाहर से देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि कौन सा
कौन है, यानी हम टेस्टिस को देख के नहीं बता सकते कि ये मेल होगा, या फिर हम स्पेशल ओवरी को देख के नहीं बता सकते कि ये फीमेल होगा, मतलब उनमें स्पष्ट पहचानने की क्षमता नहीं देखने के लिए मिलती है, बल्कि इनमें इनके पूरी जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम में जो जनन काल होता है यानी रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होते हैं या रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, उसमें जो परिवर्धित होते हैं यानी जो युग्मक होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उनका ढेर सारा नंबर ऑफ गैमेट्स दिखाई देते हैं यानी पुंज के रूप में दिखाई देते हैं, और ये दिखाई देते हैं कहाँ पे, इनकी बॉडी के यानी जो नेरिस होगा, नेरिस की बॉडी का जो ट्रंक एरिया होता है, ट्रंक एरिया के कुछ अगले जो खंड्स होते हैं, आगे के जो खंड्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सब जगह क्या होते हैं, बाकी सब जगह देखे जाते हैं, इनको हम कह सकते हो वेंट्रल सेप्टा, क्या वेंट्रल सेप्टल जो पेरिन्यूअल होता है या पेरिन्यूमल होता है वहां पे देखा जाता है, और इनमें जो रीजनरेशन की एक्टिविटी होती है यानी पुनरुद्भवन की एक्टिविटी होती है वो भी काफी अच्छे मात्रा में देखने के लिए मिल जाती है, मतलब इनके बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे रीजनरेशन की एक्टिविटी पाई जाती है यानी देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान देना जो नर जनन युग्मक होता है यानी यहां पे जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पेशल गैमेटो क्या होते हैं, गैमेटोजिनिया होते हैं, क्या होते हैं, गैमेटोजिनिया होता है, जो गैमेटोजिनिया होता है, गैमेटोजिनिया का मतलब ये स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ पे ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और वैसे ही क्या पाए जाएंगे, यदि मेल में पाया जाएगा तो स्पर्मेटोजिनिया हो जाएगा, कैसा होगा, स्पर्मेटोजिनिया होगा, और यदि फीमेल कंडीशंस में देखने के लिए जा पा रहा है यानी फीमेल में जो गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे ओजिनिया के फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, ओजिनिया के फॉर्म में होते हैं, और ये सिलोम में, ध्यान देना दोनों, मतलब यहाँ पे स्पर्मेटोजिनिया और ओजिनिया दोनों जो होते हैं वहां जो सिलोमिक फ्लूड होता है, सिलोमिक फ्लूड में अपने गैमेट्स को छोड़ देते हैं, कैसे होते हैं, सिलोमिक का जो फ्लूड होता है उसमें अपने गैमेट्स को छोड़ देते हैं, और जैसे ही गैमेट को छोड़ते हैं कहाँ पे, जो सिलोमिक फ्लूड होता है इनके बॉडी के अंदर, उनमें जैसे ही छोड़ते हैं वहाँ पे छोड़ने के साथ वो क्या करते हैं, स्पेशल जो स्पर्म्स होते हैं, कैसे होते हैं, स्पर्म ओवा होते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं, कैसे होते हैं, परिपक्व होकर काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होने के साथ साथ यहाँ पे जो स्पर्म्स होते हैं, कैसे होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनकी सेल्स छोटी होती है, कैसी होती है, छोटी होती है, और इनमें एक छड़ लाइक मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, और इनमें हेड और पीछे पुछ दिखाई देता है, मतलब इनका जो स्पर्म्स होता है उनमें एक छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और जैसे ह्यूमन का स्पर्म्स होते हैं पीछे की तरफ, वैसे यहाँ भी हमको स्पर्म दिखाई देने स्पर्म जो होंगे स्पर्म्स में टेल यानी फेजिला दिखाई देगा जो लोकोमोशंस करने में काम आता है। वही बात करेंगे इक्का, जो इक्का कंडीशंस होते हैं वो तो कुछ बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, गोली जैसे होते हैं, और इनके अंदर ढेर सारा फ्लूड पाया जाता है, क्या होता है, ढेर सारा फ्लूड पाया जाता है, और ये सारा का सारा जो परिपक्वन होता है, जो हमारा नेरिस होता है, जो हमारा वर्म है, वर्म के बॉडी के अंदर जो सिलोमिक कैविटी होती है, क्या होती है, सिलोमिक कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी में युग्मक पूरे तरीके से पाए जाएंगे, ये होता है गैमेट के फॉर्म में, हमने जो भी बताया आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे जो जीनो क्या होते हैं, यहाँ पे जीनो डक्ट होते हैं यानी कौन कौन सा ऐसा जनन वाहिनियाँ होगा जिसके द्वारा हमारे जो मेल के या फीमेल के जो स्पेशल गैमेट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में देखेंगे। देखो स्टूडेंट, जब नेरिस की बात करते हैं हम, तो नेरिस में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे जनन वाहिनियाँ का अभाव होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी जीनोडक्ट नहीं पाया जाता, और पूर्ण विकसित जो हमारे स्पर्म्स और जैसे मोर डेवलप कह लो, जो डेवलप स्पर्म्स और ओवा होते हैं वो स्पेशली हमारे पास नेफ्रेडिया क्या होता है, नेफ्रेडियो मैक्स होता है। तो नेफ्रेडियो मैक्स का मतलब ये होगा कि नेफ्रेडिया पाया जाएगा नेफ्रेडिया के जस्ट किनारे, मतलब नेफ्रेडिया के जो नलिकाएं होती हैं, डक्ट होती है, उसके दोनों किनारे ये दिखाई दे देते हैं। ये चीज आपको याद रहे। जैसे एक नाम था गुडरिथ, गुडरिथ नाम के साइंटिस्ट थे, लगभग 1945 ईस्वी में आए थे, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे जो स्पेशल नेफ्रेडियो मिक्स होते हैं या मिक्साई होता है, नेफ्रेडियो मिक्स के फॉर्म में इनको बताया गया कि नेफ्रेडियो जो मिक्स होते हैं वैसे ही कंडीशंस पाया जाता है अलग अलग स्पीसीज में, जो इनकी बॉडी में जो इतने भी गैमेट्स होते हैं उसको फटने से फटने पर मुक्त करता है, बट ऐसा कंडीशन बाद में नहीं देखा गया।
ऐसा देखा जाता है कि जब इनके इग मतलब इनके जो पूरे के पूरे इग होते हैं, मतलब यहाँ पे जो गैमो ओजिनिया था, ओजिनिया से जो इग का फॉर्मेशन होता था और स्पर्मेटोजिनिया से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उससे जब ये बड़े होते हैं, परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने के वजह से जब गैमेट काफ़ी अच्छे कंडीशन लेते हैं, तो जो हमारा मेल या फिर फीमेल होता है, फीमेल की बात करो, फीमेल की जो बॉडी वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, फट जाती है, डाइहेंस हो जाती है, और डाइहेंस होने के बाद जो हमारा एनिमल होता है वो पूरी तरीके से डेथ हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। ऐसा बताया था हमारा एक मतलब हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था गुडरिथ नाम के साइंटिस्ट ने, गुडरिथ रिच ऐसे कह सकते हो तो अच्छा रहेगा, रिच ठीक, गुडरिच नाम के साइंटिस्ट थे जो लगभग 1945 ईस्वी में आए थे, ऐसा इन्होंने बताया था। बट जो नेफ्रिडिया होता है वो क्या करता है, वो स्पेशली जितने भी हमारे वाटर मालिक्यूल्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है इनके बॉडी में, उसको वो बाहर निकालने के काम करता है ठीक। और कभी कभी ये जनन वाहिनियां यानी यहाँ पे जीनोडक्ट का भी वर्क किया करते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पे चलते हैं जो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वहां पे डार्सल चिलेटेड, क्या पढ़ना है, डार्सल चिलेटेड ऑर्गन की बात करना है। ये देखो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये वही फिगर है नंबर थर्ड वाले का, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, हमने हेडिंग और थर्ड बताया है ना, उसी की बात करेंगे ठीक। तो और नंबर थर्ड में यहाँ जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें ये देखा जाता है कि जो प्रत्येक इसके पार्ट्स होते हैं, यदि हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से देखें या फिर लॉन्गिट्यूडनल पार्ट से देखें या फिर वेंट्रल से या फिर डार्सल लॉन्गिट्यूडनल से देखें, तो दोनों तरीके में हमको यहाँ पे कुछ मसल्स दिखाई देती हैं जो इसको पूरी तरीके से स्ट्रांगनेस क्रिएट करती है, और यहाँ पे ढेर सारे पश्चमाभी या कह सकते हो एक जोड़ी पश्चमाभी मसल्स दिखाई देती हैं जो अलग अलग कंडीशंस में इसको बांधे रखते हैं, और यहाँ पे टिश्यूज भी होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो पूरे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डार्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बता रहा है। ये डार्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ दिखाई देंगे, और नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मसल दिखाई देंगे जो तो दोनों तरीके से इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखते हैं। इसके बॉडी के अंदर ही पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देगा आपको। यदि बात करें इसके बेसिक तरीके से, तो यहाँ पे दो फोल्ड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड फोल्ड और एक राइट हैंड साइड फोल्ड। इसी राइट हैंड साइड फोल्ड के ऊपरी सीधे सिरे पे बात करें तो यहाँ पे दो स्पेशल ब्लड वेसेस दिखाई देंगे आपको। एक ऊपर की तरफ जो ब्लड वेसेस पाया जाता है उसको हम डार्सल ब्लड वेसेस के नाम से जानते हैं, और नीचे जो पाया जाएगा उसको हम वेंट्रल, इस पर लिख मैंने तो लिखा नहीं है बट आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा वेंट्रल, वेंट्रल ब्लड वेसेस। तो दो ब्लड वेसेस पाए जाएंगे, बीच में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे गॉट लुमन की बात करेंगे, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे चिलेटेड ऑर्गन, देखो मैं इसी की बात कर रहा था, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि डार्सल चिलेटेड ऑर्गन की बात कर रहा है। इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, मतलब इधर यदि पाया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमको क्या दिखेंगे, डार्सल चिलेटेड ऑर्गन दिखेंगे। आखिरकार ये डार्सल चिलेटेड ऑर्गन है क्या, इनका वर्क क्या है पूरे के पूरे इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। ये कैसे होते हैं, ये कीप जैसे दिख रहे हैं आपको, एक कीप लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ नजर आ रहे हैं। ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी का जो बॉडी कैविटी होती है, ये बॉडी कैविटी में खुलते हैं, बॉडी कैविटी में खुलते हैं, परंतु इनमें बाहर खुलने में कोई, बाहर खुलने के साथ साथ या फिर जब ये यहाँ पे बॉडी कैविटी में खुलते हैं तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये बाहर की तरफ किसी ओपन सरफेस पे खुलते होंगे। लेकिन ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये जो पॉलीकीट एनेलिड होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीकीट एनेलिड होते हैं, उन जंतुओं में पाया जाने वाला एक स्पेशल ये सिलोमिक, ध्यान देना सिलोमिक का कैविटी होती है या सिलोमिक डक्ट होता है, इनको हम सिलोमो डक्ट के नाम से जानते हैं। कौन, जो पॉलीकीट एनेलिड होते हैं उन जंतुओं में, उन एनिमल्स में ये कीप जैसे चिलेटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, सिलोमो डक्ट के नाम से जानते हैं। और ध्यान देना ये पहले इन्हें हम उत्सर्जी अंग कहा करते थे, जब ये पहले आए थे, जब इस पर सही तरीके से रिसर्च नहीं हुआ था, हम इन्हें एक कह सकते हो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन के फॉर्म में कहते थे। बट जैसे जैसे इनमें पता चला ये कहीं ना कहीं जीनोडक्ट के फॉर्म में बताया गया, मतलब बाद में हम इन्हें एक्सक्रेटरी ऑर्गन से उठाकर जीनोडक्ट के फॉर्म में रख दिया, कि जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय या फिर रिप्रोडक्शन के समय जो लैंग
लैंगिक या कह सकते हो कि सेक्सुअलिटी होती है, लैंगिक परिपक्वन के अंतर्गत ये पूरा का पूरा काम आने वाला एक ऐसा छोटा सा छिद्र या फिर पोर होता है जो इस बॉडी को कंप्लीट करता है, ठीक। परंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ठोस जो पदार्थ होते हैं या फिर ठोस मटेरियल होते हैं, ऐसे फॉर्म में ये थोड़े से कहीं ना कहीं एसर्शन के रूप में काम करता है। बट अभी तक ये क्या है, उत्सर्जी अंग है या फिर जिनोडक्ट है, इसके बारे में अभी तक पूरी तरीके से रिसर्च नहीं हुआ है। ध्यान देना, इसके बारे में अभी रिसर्च नहीं हुआ है, इसीलिए लगातार यह अपवाद में बना हुआ है ये वाला पार्ट कि ये क्या है, ये उत्सर्जी अंग है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे काम करता है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। ये दोनों जो फॉर्म दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि जो डार्सल चिलेटेड ऑर्गन होते हैं वो क्या है, रिप्रोडक्टिव है या फिर ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो कभी भी आपको यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो डार्सल चिलेटेड ऑर्गन पाए जाते हैं नेरिस में वो किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान होगा कि वहां पे क्या ऑप्शन आ रहा है। यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यदि ऑप्शन में आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि दिया रहेगा तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को क्लिक करिएगा। यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं दिया है, वहां पे एक्सक्रेटरी सिस्टम दिया है, तो आप सदैव एक्सक्रेटरी सिस्टम्स को ही कंप्लीट करेंगे। यदि दोनों दिया है और बोथ ए और बी देता है तो आप दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में अभी जानकारी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या हुआ, इनके बारे में जानकारी नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है, वो सिलिया जो हमारे स्पेशल सिलिया होते हैं, सिलिया या फिर सिलेटेड जो हमारे जो एपिथेलियल होते हैं उसके बने होते हैं, और इनका कोई भी अभी आकृति के बाद कोई भी अभी मुंह या कह सकते हो कि प्रमाण नहीं मिला है, रिजल्ट नहीं मिला है कि ये स्पेशल वर्क इस पे कर रहे होते हैं। तो ये आज का पूरा क्लास था जिसमें हमने देखा कि नेरिस का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से इसमें फॉर्म होते हैं, कब होते हैं, छोटा सा क्लास था, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में लेके हेट्रोनेरिस को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।